जिर मैं हूं अब्दुल बासित और आप देख रहे हैं अलीट न्यूज़ का प्रोग्राम अलीट गेस्ट आज हम मौजूद हैं पाकिस्तान के एक इंतहाई मोतबर और मंजे हुए सियासतदान चौधरी खालिद वैद अली ब्राई साहब की रहाइशाह पर जो कि एन ए एक सौ ग्यारह से एम एन ए हैं तो आइए बिना वक्त जाय कि उनसे मुलाकात के लिए चलते हैं जरीन हम अपने आज के अलीट गैस चौधरी खालिद जवेदली वड़ाई साहब के पास पहुंच चुके हैं तो आपको मैं इनका मुख्तर सा तारुफ करवाता चलूं कि इनके बड़े भाई चौधरी अमज अली वड़ा साहेब जो कि गोजरा की तरीक़ के एम एन ए रह चुके हैं इनके छोटे भाई जो कि पाकिस्तान तरीक़ान साफ़ के मौजूदा एम पी ए हैं और बज़ात ख़ुद ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एम एन ए हैं तो बग़ैर किसी तहीर के आइए इंटरव्यू शुरू करते हैं तो जी सर आप सबसे पहले तो हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे आपने अपने कीमती टाइम से हमारे लिए चंद लम्हात निकाले तो थैंक यू वेरी मच सर वेलकम तो सर हम अपने अपने इंटरव्यू का आगाज़ करते हैं सबसे पहला हमारा क्वेश्चन ये है कि हमें अपने बताइएगा कि आपने अपने सियासी करियर का आगाज़ कहाँ से किया और कब किया मैंने अपने सियासी करियर का 1987 में गुजरात से स्टार्ट किया था मैं काउंसलर मुंतब हुआ था 1987 में तो सर आपने पॉलिटिक्स को ही एज अपना करियर चूज क्यों किया नहीं मैंने बिजनेस किया स्टार्ट में मैं एटी फाइव से बिजनेस कर रहा था अपना बिजनेस ग्रीन मार्केट में उसके बाद मैं सियासत में आया तो सर अगर आज आप एक पॉलिटिकल वर्कर ना होते तो आज क्या होते मैं आजकल बिजनेस मैन होता ठीक है सर सर अपनी निजी ज़िंदगी के बारे में बताइएगा कि आपको जिस दिन छुट्टी होती है काम से ऑफ़ होता है तो आप कि मशागल किए हैं क्या करते हैं पूरा दिन घर में मेरे पास अपना बिजनेस है जी सर मेरी एक फैक्ट्री है पेट्रोल पंप है एग्रीकल्चर फार्म है डेरी फार्म है मैं वो ट्रांसपोर्ट का है तो जब मैं फारग होता हूँ तो वह अपने बिजनेस को टाइम देता हूँ सर आज हम देखते हैं कि हमारे माशरे का एक बहुत बड़ा अलमिया है कि जो इंसान माशी तौर पर माली तौर पर जो स्ट्रॉग होगा वही इंसान जो है पॉलिटिक्स की दुनिया में कामयाब हो सकता है क्या आप मेरी इस बात से इतफाक करते हैं मैं इस बात से इतफाक नहीं करता इसलिए जो शख्स जिस फील्ड में भी मेहनत करेगा ना अल्लाह ताला उसको कामयाबी देगा अगर उसकी सोच मुस्बत होगी जिस शख्स की सोच मुस्बत नहीं होगी वो कभी कामयाब नहीं होगा सर जो हम मौजूदा दौर में देख रहे हैं कि जो पी टी आई है और ख़ासतौर पर हम बात करेंगे अपनी अ, अगर आप पी टी आई हुकूमत की तो वो अवाम की तवक्कात पर पूरा उतर नहीं उतर रही तो इसकी बेसिक वजह क्या है इसकी बेसिक वजह यह है कि सबसे पहले तो प्राइम मिनिस्टर का कोई विजन नहीं है नंबर दो उसका उसके पास टीम नहीं है डिलीवर करने के लिए और ना ही उनके पास ऐसी कैपेसिटी है कि वो इस मुल्क को डिलीवर कर सकें और इसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वालमेंट हैं कि उनके जो प्रोग्राम चल रहा है उनका पब्लिक के इंटरेस्ट में प्रोग्राम नहीं चल रहा और वो, वो सिर्फ और सिर्फ इकतदार की खातर वो हर काम करने को तैयार है कि हमारे पास इकतदार रहना चाहिए हमारी हुक्मरानी रहनी चाहिए अगर उनके अंदर खौफ खुदा हुआ खौफ खुदा हो तो वो सोच लेंगे कि इस आवाम के मुतल हमने कुछ करना है जी सर हमें बताइए कि क्या आप दो बार सर माशा रकुन कौमी असम्बली रह चुके हैं इनशाला आइंदा भी इलेक्शन लड़ेंगे तो अगर आइंदा 2023 के इलेक्शन में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पावर में आती है और आपको किसी वजारत का कलमदान संभालने की पेश की जाती है तो आप किस वजारत में काम करना पसंद करेंगे ये तो एक दो बात में तो मैं आपको बता देता बता देना चाहता हूँ कि अलहदुल्ला मेरा बतौर एज एडमिनिस्ट्रेटर एक बहुत वसी तजर्बा है कि बतौर तहसील ना तो मैंने काम किया जो पूरे पाकिस्तान में गोजरा तसील थी वो मॉडल डिकलेयर हुई थी गोजरा तसील सिर्फ पाकिस्तान की उस और जो सिस्टम मैंने दिया था वो सिस्टम के बारे में आज तक पूरे पाकिस्तान में ने किसी ने नहीं चलाया चलाया जो गुजरा में मैंने चलाया। जी सर अगर कोई भी मुझे मेरे चलायाद ने कोई ड्यूटी लगाई किसी डिपार्टमेंट में लगाई उसकी पूरी जिम्मेदारी जी सर इस बात के तो हम खुद गुआ हैं कि आपके दौर के अंदर गोजरा में डेवलपमेंट का वर्क, वर्क बहुत ज्यादा हुआ और बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट काम शुरू किया पूरे गोजरे के अंदर वाटर सप्लाई का, का काम किया गया लेकिन आज हम देख रहे हैं कि गोजरा का काम वो सुस्तरा विकार है बल्कि ना होने के बराबर है इसकी खास वजुआत क्या है इसकी खास वजह वजूहत ये है कि जो लोकल पी टी आई की नुमाइंदे हैं उनका इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि जो शख्स इंटरेस्ट लेता है दिलचस्पी लेता है और उसके अंदर एक खौफ है खौफ ख़ुदा कि मैंने अपना फ़र्ज़ नभाना है और मैं इसका जवाब दे हूँ कबर में वो शख्स इस काम को करेगा मैं दो हज़ार तेरह में जब इलेक्ट हुआ था उस वक्त इस गुजरा के मेजर मसाइल जो थे वह वाटर सप्लाई थी सीवरेज था उसके बाद हॉस्पिटल का था स्टेडियम का मसला था वन वन टू टू का मसला था मैंने उसको प्रायरिटी पर रखकर इस कामों को लिया आज जाकर हॉस्पिटल के देख लेंगे वहाँ बहुत सारी तब्दीली आ चुकी है कि आप मैं ऐसे देखेंगे कि बहुत कोई प्राइवेट हॉस्पिटल भी इतना खूबसूरत और साफ़ सुथरा नहीं है जितना हमारा हॉस्पिटल है स्टेडियम जो है वो इंटरनेशनल लेवल पर बना हुआ है और गोजरा की वाटर सप्लाई और सीवरेज के प्रोजेक्ट है को एक गली का दो गली का नहीं पूरे शहर का प्रोजेक्ट है और ये मेजर प्रोजेक्ट जो लेकर आने होते हैं ना ये एम एन का, का काम है जो एक एक गली दो गली की नाली बनानी है सोलंग लगाना है ये काउंसलर और मेंबर जिला काउंसिल का काम है जी सर हम आपसे ये भी पूछना पसंद करेंगे कि क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में और पाकिस्तान के पॉलिटिकल जो सिस्टम है और खासतौर पे इलेक्शंस में जो कि नून लीग का खास बयानियाँ आए तो क्या इसमें वाकई ही इस्टैब्लिशमेंट का गहरा सुरखसूख है सिर्फ इस इलेक्शन में नहीं है हर इलेक्शन में इंटरफेयर है जिस वक्त तक इस्टेब्लिशमेंट इसमें से ना निकली इस मुल्क के हालात नहीं बदल सकते आ, हम यहाँ पे आपसे मुझे एक बात याद आई कि तकरीबन थोड़े दिन पहले जो है मरियम नवाज शरीफ ने मुल्तान का दौरा पीडीएम के जलसे के लिए दौरा किया था तो उसमें आप शरीक भी हुए थे लेकिन आपने वहाँ पर बड़े दबांगी अंदाज में आपने अपने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बयानी को सपोर्ट किया और उनका इस्तबाल किया पीर माल इंटरचेंज पे लेकिन सिक्के का दूसरा रुख यह है कि आपके अपने भाई पाकिस्तान तरीके इंसाफ के मेंबर हैं जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के स्पोर्ट से जीते लेकिन उन्होंने पाकिस्तान इंसाफ में शमूलियत अख्तियार कर ली क्या यह खुला तजाद नहीं है मैं ये आपको एक बात यहाँ एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि मेरे उनके साथ दो हज़ार आठ से सियासी अख्तलाफा हैं ठीक है दूसरी बात यह है कि वो नून लीग की स्पोर्ट से नहीं जीते ये हलका जो है ये हमारा बुनियादी हलका है हमारी फैमिली का जो शख्स भी इस हल्के में हमारी फैमिली से खड़ा होगा वो ही इस हल्के से जीतेगा इसकी पुरानी हिस्ट्री सब निकाल कर देख लें 90 की देख लें 93 की देख लें 96 की देख लें 2003 की देख लें 2008 की देख लें कि ये सीट जो है ये फैमिली की है जो शख्स भी खड़ा होगा उस इलाके में हमारी फैमिली का वही कामयाब होगा बिल्कुल सर ठीक है सर हाल ही में तो मरीम नवाज शरीफ मरीम नवाज साहिबा ने एक बयान दिया था कि अगर हम इस सूरत में जो है एस्टेब्लिशमेंट से हम उसके साथ बात कर सकते हैं सिर्फ इस सूरत में कि अगर पीटीआई की गवर्नमेंट को घुरा दिया जाए तो क्या आप उन्हीं करदारों की बात कर रहे थे स्टेबलिशमेंट की उनके ख़िलाफ़ आप बयानियाँ दे रहे हैं लेकिन आप उन्हीं से बात करने के लिए तैयार हैं ये क्या ये भी खुला तजाद नहीं है नहीं ये खुला तजाद नहीं है जो स्टेक होल्डर होते हैं उनके साथ बात करनी पड़ती है स्टेक होल्डरों के साथ बात होगी तो मुल्क आगे चलेगा इसमें जुडिशली भी है इसमें आर्मी भी है इसमें मीडिया भी है ये सब स्टेक होल्डर हैं क्या सर आप भी समझते हैं कि कोई भी फॉरेन पॉलिसी बनानी है जैसे अमेरिका के अंदर है कि ज़रूरी है आपने कोई भी पॉलिसी बनानी है तो उसके लिए पेंटागौन जो कि उनका अदारा है फौज का उसकी मुशावरत ज़रूरी है क्या इसी तरह अभी पाकिस्तान में भी कोई पॉलिसी बनानी है फॉरेन पॉलिसी के हवाले से फौज की मुदालत होनी चाहिए मैं समझता हूँ कि जो मुल्क के लिए पॉलिसी बनानी है उनको सारे स्टेक होल्डरों को इकट्ठा बैठना चाहिए और एक अच्छी पॉलिसी बनाकर उसको लेकर चलना चाहिए बेहतर सर सर पी डी एम बनी तो अब उसके फजलर रहमान साहब जो है उनके सरबरा बन गए लेकिन बिल्कुल गुजस्ता बरस उन्होंने पी टी आई गोर्नमेंट के खिलाफ उनकी हुकूमत गिराने के लिए लॉन्ग मार्च का ऐलान किया लेकिन उसमें क्यों मुस्लिम लीग ने अपनी शिरकत क्यों नहीं दिखाई उसमें है कि हमारी जो जमात है या हमारे कायदीन हैं वो गैर कानूनी तौर पर गैर गैरानी तौर पर कोई कदम उठाना नहीं चाहते जी सर आइंदा अगर पाकिस्तान दो हज़ार तेईस के इलेक्शन में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कामयाब होती है तो अगले वजी, हमारे मुल्क के वजार्जम कौन होंगे मोहम्मद शबाज शरीफ या मरियम नवाज़ मैं तो यह समझता हूँ कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब होंगे जी सर शेख रशीद साहब ने एक बयान दिया था कि जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है इसमें दो दड़े बन चुकी हैं एक मरीम एक नवाज शरीफ साहब की मुस्लिम लीग नून है और एक जो है नून है और शिक्शी शहबाज है तो क्या आप भी ऐसी बात से इतफाक़ करते हैं मैं समझता हूँ कि शेख रशीद साहब को रात को ख्वाब आती है लेकिन ढाई साल हो गए ना को ग्रुप बनाया कभी कहते हैं चालीस एम एन चले गए कभी कहते हैं पैंतीस एम एम पी चले गए कभी कहते हैं शीन बन जाएगी कभी कहते हैं कब बन जाएगी उनको रात के ख़्वाब में कोई चीज़ नज़र आती है ड्रोनी जिस वजह से सुबह वो बयान दे देते हैं हमारे अंदर कोई ग्रुप नहीं हमारे क़ायद मियाँ महमद नवाज शरीफ साहब हैं हमारे पार्टी के सदर जो हैं वो मियाँ शहबाज शरीफ साहब हैं और हम उनकी क्यादत में काम कर रहे हैं जी सर सर आप क्या क्या आप भी चाहते हैं कि जिस तरह आप गुजशत कई सालों से आप बड़ाज खानदान है जो उनके वही लोग आगे पॉलिटिक्स में आ रहे हैं क्या आप भी चाहते हैं कि आपका कोई बच्चा आगे इसी रिवायत को कायम रखे देखो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ अगर हमारे बलदियाती निज़ाम चलता रहता तो हमारी नर्सरी तैयार होती रहती ये भी एक जैसे एजुकेशन है नर्सरी है प्रेप है ये ऐसे चलते हैं ये भी सिस्टम ऐसा है कि अगर इलेक्शन होते रहते तो हमारी नर्सरी तैयार हो जाती लेकिन हमारी बात है है कि जब कोई गवर्नमेंट आती है बलदयात को तोड़ देती है और नर्सरी अभी तक तैयार नहीं हुई तो दूसरी बात जो आपने की है ये गॉड गिफ्टेड चीज़ें होती हैं शायद मेरे बच्चे कोई भी ना पॉलिटिक्स में जा सकें शायद वो मुझसे भी आगे चले जाएं, ये तो उनका अल्लाह तला का देन है जी सर आगे इन शाह तल अगर जो है आप दोबारा एम एन ए बनते हैं तो आगे 2023 हज़ार के इलेक्शन में तो इस टाइम तो आप पावर में नहीं हैं क्योंकि आप जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से तल्लु रख रहे हैं तो आगे अगर दोबारा आप एम एन ए इनशाला बनते हैं तो क्या आपके पास क्या प्लान है गोजरा के हवाले से जो अभी तक गोजरा कहूलियत नहीं मिल रही गोजरा में सुई क्या सूँ मिल रही है सर गोजरा में जो अभी सहूलियात ज्यादातने नहीं नहीं आप आपके पास मेरे पास है इसके जो मेजर प्रोजेक्ट है ना इस वक्त है। वो एक है हमारी सब्जी मार्केट का है बहुत दरिना एक गोजरे शहर का जो मसला है उसके लिए हम करेंगे सेकंड है कि हमारे को रेलवे का मसले है मसाइल हैं उसको हल करेंगे बाईपास का एक बहुत बड़ा मसला है उसको हल करेंगे इन और कोशिश करेंगे कि कोई यूनिवर्सिटी का इधर कुछ सब्जेक्ट के जो है ना वो कैंपस चलेंगे गुजरा में जी बिल्कुल बेहतर सर सर ऐसे नौजवान जो पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं लेकिन वो पचपन इलाके से तल्ल रखते हैं इतने स्ट्रॉग नहीं है माली तौर पे। आप उनको क्या मशूरा देना चाहेंगे मैं मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर मेरी हालात देखें ना तो मेरे जो हालात हैं कोई मैं कोई लैंड लाड नहीं हूँ बहुत बड़ा लैंड लाड हूँ बहुत बड़ा ज़िम्मेदार हूँ मैं एक छोटा सा ज़िम्मेदार हूँ छोटा सा बिजनेस है बहुत बड़ा बिजनेस नहीं है लेकिन मैं समझता हूं जो शख्स ईमानदारी से दयानंददारी से इसको लेकर चलेगा अल्लाह ताला उसे कामयाबी दे देगा कोई जरूरी है कि इसमें पैसा ही होना चाहिए तो वो ही शख्स इस, इस चीज को लेकर चल सकता है सर आपके कीमती वक़्त का बहुत शुक्रिया तो जी नाजरीन ये थे जनाब खालिद वैद अली वड़ाई साहब इन्होंने अपना वक्त दिया इनका हम अगेना शुक्रिया अदा करेंगे तो अपने मेज़बान अब्दुल बासित को दीजिए इजाजत अगली वीडियो तक इंशाल्लाह इसी तरह हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए लीड न्यूज गोजरा Música